आपसे नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है, तो हिंदुओं को छोड़ दो बॉर्डर पर। कसम से 24 घंटा के अंदर अगर बांग्लादेश हमारे देश में नहीं मिल गया तो फिर आप जो बोलिए सो। 24 घंटा में एकदम। अगर अभी की स्थिति जो बांग्लादेश की है अगर भारत की हो जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों ले लेंगे, कश्मीर का मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा। सेना के बिना ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा हिंदू समाज समर्थ, 100 करोड़ का जो हिंदू समाज है अगर 10 करोड़ उतर गया उतना ही काफी है। तो कहता है हिम्मत नहीं है किस हिम्मत तो इतना है, हिम्मत तो इतना है कि जो लोग कहते थे मंदिर नहीं बनने देंगे मंदिर बना लिया, जो लोग कहते थे कि सीए नहीं लगने देंगे वो कर दिया, 370 हटाने नहीं देंगे हटा दिया, और कहते थे खून की नदियां बनेगी एक मच्छर नहीं मारा इन लोगों से। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या एक वोमेन का सेल्फ रिस्पेक्ट इतना गिर गया कि उसके चीजों को लेकर के लोग प्रदर्शित करने लगे वहीं के देश के लोग? होगा ही नहीं। अगर अगर भारत का असर होगा तो या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे। जी बिल्कुल, पानी बाल्टी का भर रहा है, यहाँ पानी का बाल्टी का भर रहा है तो नल बंद कर दिया जाएगा। हाँ नल बंद, और वो नल बंद करने का स्विच यहाँ पर सबके पास है। अगर भारत देश में इस तरह की चीजें होती हैं, पहली बात तो होगी नहीं, अगर होने का हिम्मत भी करता है तो इस भारत देश में या तो एक कम्युनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जिसका ना कोई पर्चे और ना कोई इतिहास रहेगा, जैसा कि समय से पहले भारत देश में इस तरह की उपद्रवी चीज़ें हुई हैं जो उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन उतना ही तेज़ी से अब उपद्रवी लोगों को दबाने का भी प्रयास हम लोग जैसे लोग कर रहे हैं। उथल पुथल हुआ है और लगातार कई वीडियोज़ आ रहा है जिसमें हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, संसद में भी आवाज़ ये उठाई जाती है विदेश मंत्री के द्वारा कि हिंदू टेम्पल को टारगेट किया जा रहा है, कैसे देख रहे पूरे मामले? देखिए ये मामला तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया हुआ है, और इस देश में भी शुरू से इस तरह की चीज़ें होते आई है भारत देश में, लेकिन अभी का जो समय है वहाँ पर बांग्लादेश में ऐसा दिख रहा है कि ये कोई दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई बढ़ी हुई है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक हिंदू मुसलमान का लड़ाई है और कोई डिक्टेटरशिप के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा बस यही है कि जहाँ पे हिंदू कमज़ोर हो कम हो वहाँ पे हिंदुओं को मारो और ख़त्म करो, और इस तरह की प्रदर्शन से यही दिखता है कि इस देश में भी खतरा मंडरा रहा है और ये कैंसर की बीमारी की तरह फैलने में देर नहीं लगेगा। जहाँ पे पुराने मंदिरों को ख़त्म कर दिया गया, जला दिया गया, वहाँ के हिंदू कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, वहाँ का बांग्लादेश के टीम का एक क्रिकेटर है उसके घर में हिंदू क्रिकेटर है जबकि वो बांग्लादेश के लिए खेलता है, उसके बावजूद उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं, उसके साथ भी प्रताड़ित चीज़ें हुई, उनको भी डिफेम किया गया, तो ये सब और सब चीज़ एक तरफ ये दर्शाता है कि ये दो कम्युनिटी के बीच का लड़ाई बढ़ता ही जा रहा है, और इसके खिलाफ चूँकि हमारे देश में जहाँ जहाँ हिंदू भाई हैं उसके लिए हम सभी श्रीराम सेना संगठन के लोग यहाँ पे आज उपस्थित होकर के भारत सरकार से ये उम्मीद लगाते हैं, आग्रह करते हैं कि जितने भी हमारे पीड़ित हिंदू हैं बांग्लादेश में उनको संरक्षण अवश्य दें। क्या लगता है कि आखिरकार शेख हसीना को भारत में पनाह देना चाहिए? देखिए शेख हसीना को पनाह देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मुझे नहीं मालूम, ये एक कॉम्प्रोमाइज़ का मैटर है, देश के सुरक्षा का मामला है, लेकिन वहाँ के लोगों को जो वहाँ के लोग पीड़ित हैं उनके लोगों को संरक्षण अवश्य देना चाहिए, और अगर शेख हसीना चाहती हैं कि भारत सरकार और भारत सरकार के लोग और भारत के जो सरकार हैं वो उनको पनाह दें तो ठीक है, ऐसा लगता है कि ये हमें अखंड भारत का पहला पाठ हम लोगों को दिख रहा है तो इससे बढ़िया मौका हमारे सरकार के लिए नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि लगे हाथ पाकिस्तान बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया। देखिए आक्रमण का मामला तो नहीं जानते हैं लेकिन जहां आक्रमण हुआ है पहले उसको सुरक्षित किया जाए। लेकिन अगर बात करें तो भारत के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये आज़ादी की लड़ाई थी उनको आज़ादी मिल गई। कैसे आज़ादी की लड़ाई थी? तानाशाह के खिलाफ। ये तानाशाह था ही नहीं, जहाँ कानून की बात है, जहाँ पे कानून की बात है, जहाँ पे कानून और लॉ के तरीके से चल रहा है सब कुछ, तानाशाह तब होता जब किसी भी कम्युनिटी पर या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष पे कुछ हो रहा होता सब लोग चुप रहते। तानाशाह तो अब दिख रहा है खुलेआम प्राइम मिनिस्टर के हाउस में घुस करके उसके लेडीज़ गारमेंट को लेकर के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये तानाशाह नहीं तो और क्या है? क्या एक वोमेन का सेल्फ रिस्पेक्ट इतना गिर गया कि उसके चीज़ों को लेकर के लोग प्रदर्शित करने लगे वहीं के देश के लोग? ये है तानाशाह, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में घुस जाना और उस ऑफिस में घुस करके
चीजों को उपद्रवियों द्वारा दर्शाना, ये है तानाशाही, ये बिना कानून का राज हो सकता है। ये स्टूडेंट है किसी भी, लोग कह रहे हैं कि भारत का भी यही हश्र होगा, भारत में भी भारत का हश्र तो होगा ही नहीं, नहीं अगर अगर भारत का हश्र होगा तो या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे। जी बिल्कुल, पानी बाल्टी का भर रहा है यहाँ पे, पानी का बाल्टी का भर रहा है तो नल बंद कर दिया जाएगा। हाँ नल बंद, और वो नल बंद करने का स्विच यहाँ पर सबके पास है, यहाँ पर सबके पास है। क्या लगता है जो ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग हैं भारत में इस तरह की मानसिकता कर रहे हैं, आप बताइए कि सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, और ये लोग वैष्णो देवी में क्यों नहीं कुछ बोले, क्योंकि पड़ोस के बाप के देश से इनके घर पे अटैक करने आया था। ऑल आईज ऑन रफा जब हो रहा था तो आज क्यों नहीं बांग्लादेश के समक्ष में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत देश में बाल्टी पानी भर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब ड्रामेटिकली चलाया हुआ एक एजेंडा है जो हर देश में चल रहा है, और हर देश में ये चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। लगता है कि भारत में डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ एक लड़ाई है जो लोग डिक्टेटरशिप का नाम देते हैं। डिक्टेटरशिप का अगर रहता तो आज यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं, उनके खिलाफ हम लोग कुछ बोल रहे होते, वो हमसे लड़ रहे होते, हम उनसे लड़ रहे होते। तो क्या लगता है आखिरकार ऐसे लोग जो फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा अभी हाल फिलहाल में लगा रहे थे, का नहीं डिक्टेटरशिप का अगर यहाँ पे एजेंडा चल रहा होता ना तो फिलिस्तीन का नारा जो संसद में लगाए थे वो फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद संसद में ही रह जाते, उनकी लाश भी नहीं मिलती। वो लोग कह रहे जब फिलिस्तीन का हम नारा लगा रहे थे तो विरोध हो रहा था, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है, क्यों नहीं खड़ा रहेगा फिलिस्तीन में, क्या कौन सा एजेंडा चल रहा है इंडिया का, भारत देश का कौन सा इकोनॉमी वहाँ जुड़ा हुआ है, ये मामला किसका है, ये मामला किसी भारत देश से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अपने ही देश के लोग किसी और देश में चले गए हैं और वो कम्युनिटी पे अत्याचार हो रहा है तब ये भारत देश का मामला है। अच्छा एक अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि एक तो हम लोग पाकिस्तान से परेशान थे, अब कट्टरपंथी इस्लामिक कंट्री अब बांग्लादेश ही बन गया है, ये तो परिस्थिति का बात है, अगर कट्टरपंथी इस्लामिक देश बन गया है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बात है और भारत देश की सुरक्षा पे चिंता का विषय है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी हिंदुओं पर खतरा है? बिल्कुल है, अब पहले से भी होता आ रहा है। तो जिस तरह से कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का भी यही हश्र होगा, यहाँ भी डिक्टेटरशिप चल रही है, क्या कहेंगे वैसे लोग? सोशल मीडिया पे कहने वाले लोग एक बार ज़मीन पे उतर के देखें कि क्या समंदर बना हुआ है हिंदुस्तान में, और ये समुंदर अभी रुकने वाला नहीं है। जहाँ पे देश जो है जो राम का परिचय देता हो उस जगह पे सोशल मीडिया का काम नहीं है, उस जगह पे ज़मीन का काम है, इतिहास का काम है। ऐसे कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में आग लगा दिए और पूरा तहस नहस हो गया, वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो गया, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, और वही कट्टरपंथी सोच वाले लोग अब भारत को भी ऐसा ही कराना चाह रहे हैं। अगर भारत देश में इस तरह की चीज़ें होती हैं, पहली बात तो होगी नहीं, अगर होने का हिम्मत भी करता है तो इस भारत देश में या तो एक कम्युनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा जिसका ना कोई परिचय और ना कोई इतिहास रहेगा, जैसा कि समय से पहले भारत देश में इस तरह की उपद्रवी चीज़ें हुई हैं जो उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन उतना ही तेज़ी से अब उपद्रवी लोगों को दबाने का भी प्रयास हम लोग जैसे लोग कर रहे हैं। यही भारत में ये तमाम चीज़ें चलने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, अगर जश्न मना रहे हैं तो जश्न मनाने का ज़्यादा दिन नहीं है, अगर हम लोग अपने मकसद पे आ गए और जश्न मनाना शुरू कर देंगे तो उनको वापस फिर बांग्लादेश भागना पड़ जाएगा या पाकिस्तान भागना जाएगा। भारत के कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि बांग्लादेश जो हैपनिंग इंडेक्स में आगे चला गया है और बांग्लादेश तहस नहस, इंडेक्स में आगे जाए ना जाए अगर वो तहस नहस हो रहा है तो अगर उसकी दिक्कत है, अगर उसके गवर्नमेंट को लगता है तो भारत सरकार के साथ सौदा कर ले और वापस से अखंड भारत को निर्माण हेतु पहला मौका दे। हम ये भरोसा जरूर दिलाएंगे भारतवासी होने के नाते कि 15 अगस्त से पहले हम लोग बांग्लादेश को अपने कैप्चर में कर लें और ये अलाउ करें कि हम लोग फिर से अखंड भारत दिवस को पहला मौका इस 15 अगस्त को मना सकें। अखंड भारत चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये पहला पार्ट है और इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता है। मौका है, एकदम मौका ही मौका है। नहीं, आपसे नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है तो हिंदुओं को छोड़ दो बॉर्डर पर, कसम से 24 घंटा के अंदर अगर बांग्लादेश हमारे देश में नहीं मिल गया तो फिर आप जो बोलिए सो।
आप इस घंटा में एकदम, अगर अभी की स्थिति जो बांग्लादेश की है अगर भारत की हो जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों ले लेंगे, कश्मीर का मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा। सेना के बिना ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा हिंदू समाज समर्थन, 100 करोड़ का जो हिंदू समाज है अगर 10 करोड़ उतर गया उतना ही काफी है। कहता है हिम्मत नहीं है किस, हिम्मत तो इतना है कि जो लोग कहते थे मंदिर नहीं बनने देंगे मंदिर बना लिया, जो लोग कहते थे कि सीए नहीं लगने देंगे वो कर दिया, 370 हटाने नहीं देंगे हटा दिया, और कहते थे खून की नदियां बनेगी एक मच्छर नहीं मरा इन लोगों से। सब कुछ होगा, अखंड भारत के लिए तैयार है पूरा हिंदू, पूरी तरह से बचा लीजिएगा उन हिंदुओं को, एकदम बचा लेंगे। सरकार पे कितना भरोसा है इसलिए तो खड़े हैं, नहीं तो यहाँ भी इमरजेंसी जैसा सिचुएशन लग सकता था, लेकिन सरकार पे हम लोग को भरोसा है तो खड़े हैं।